देखिए द फ्रंट न्यूज के जनता दरबार में। मुझे दीजिए, अगर उस पर कार्रवाई करनी होती है फिर मुझे बताइएगा, आम आदमी पार्टी एक्शन ले। अगर वहाँ पे उसी अरे सत्येंद्र जैन को तो हटा नहीं पाए, कार्रवाई क्या करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूँ आपके साथ आशीष तिवारी। हिमाचल चुनाव का ऐलान तो हो गया था लेकिन गुजरात चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हो पाया था, जिसकी कयासबाजी लगातार लगाई जा रही थी। और चुनावी जो उठापटक है, जो चुनावी गणित है, उसको साधने में प्रत्याशी पार्टी सब लगे हुए थे और मतदाताओं को भी ये अनुमान था कि कितनी जल्दी चुनाव का प्रचार या चुनाव ऐलान हो और ऐलान के साथ साथ कयासबाजी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, अपना प्रत्याशी कहाँ से कमज़ोर हो रहा है, कहाँ से उसको साध के विजयशी को आगे ले जाना है। इसी को लेकर के आज हम फिर सीपी में हैं, लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में गुजरात में चौथी बार बीजेपी सरकार आएगी या कांग्रेस, या यूं कह लें कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इन सब विषयों को लेकर के सारी बातें निष्कर्ष होंगी और कुछ प्रबुद्ध लोग भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आइए जुड़ते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम चोपड़ा है जी। हाँ जी, बोलिए। चोपड़ा नाम है, प्रेम चोपड़ा। कहाँ के रहने वाले जी? मैं जी सर द्वारका का रहने वाला हूँ, दिल्ली का ही हूँ। हाँ जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री का शोर जो है और मॉडल, वो दोनों गुजरात में सुनाया जा रहा है और आज ऐलान भी हो गया, क्या कहेंगे? सर उनकी कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। शोर और शोर, जो शोर मचाता है ना वो अंदर से कुछ नहीं होता, खोखला होता है, ठीक है ना। वो कहते हैं खोखा चना जो है ना, वही हिसाब है, बाजे घना। वो उसका दिल्ली पहले बात है, उसका मॉडल है ही नहीं कुछ। दिल्ली में क्या मॉडल है मुझे तो, एजुकेशन का मॉडल नहीं है। वो कहने वो बहुत कहता है, ठीक है, और मोहल्ला क्लिनिक कहता है जी मेरे 579 मोहल्ला क्लिनिक है, और उसमें आप देखो तो वहाँ पर कुत्ते होते हैं वहाँ पर, और कुछ भी नहीं होता वहाँ पर, कंपाउंडर बिठा रखे हैं। और आधी से ज़्यादा जो डिस्पेंसरी है जो पहले चल रही थी ना, उन्हीं को मोहल्ला क्लिनिक की शेप दे दी। जैसे पहाड़गंज डिस्पेंसरी है नाम उसका, बस स्टॉप भी मशहूर है, वो डिस्पेंसरी को भी मोहल्ला क्लिनिक बता देगा वो। तो मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं ना, तो जब पता लगा अगर आपको मोहल्ला क्लिनिक में फ़र्स्ट एड अगर कराना पड़े ना, आपका कोई माइल्ड एक्सीडेंट, किसी के चोट लग जाए, तो वहाँ फ़र्स्ट एड की सुविधा तक नहीं है वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक में। और वहाँ पर जब जाते हैं ना डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कोई कहता है मेरे दस्त है या कुछ तबीयत है, वो कहता है जी वहाँ बैठ जाइए आप पहले। और कई उनको बोला भैया आप क्यों बैठे, तो कोरोना का मतलब कम हो गया, अब क्या आप इतनी दूर बैठा गए, नब्ज तक नहीं देखते। कहते नहीं, मैंने कहते जी हमारे को जो है ना, देखो दिल्ली सरकार ना तो ग्लव्स प्रोवाइड करती है ना वो पीपीई किट देती है, तो हमें कल को कुछ हो जाए हम क्या करेंगे। तो वो दूर से देखते हैं, बस दूर से ही बताते हैं, आप हमें बता दो हम लिख देते हैं। जब वो लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन, वो कोई ऐसा प्रिंटेड नहीं होता, वो जो मोहल्ला क्लिनिक का डिस्पेंसरी है तो होना तो चाहिए, वो उनके पास पैड पड़ा होता है उसी में लिख देते हैं, लो जी ये लिख लेना, ये दवाई ले लेना, अच्छा वहाँ से ले लो। अंदर वहाँ जाते हैं डिस्पेंस जो उनकी फार्मेसी है, वहाँ पर दवाई नहीं होती। अगर वो डाइजिन का सिरप लिख देते हैं तो कहते हैं सिरप तो है नहीं जी, आप डाइजिन टैबलेट ले जाओ। तो भाई सिरप और टैबलेट में क्या, कहते हैं टैबलेट ज़रा ज़्यादा खा लेना, एक की जगह दो ले लेना। तो ये तो वहाँ पर सारा हो रहा है, ये धांधली। यही तो मॉडल बता रहे हैं, दिल्ली का ही मॉडल बता के तो गुजरात में जा रहे हैं तो कि अजी हमने वहाँ पे बिजली की सुविधा दे दी है, फ्री कर दिया है, बहुत सारी चीज़ों को। नहीं पहले बताओ, मॉडल जब है ही नहीं वहाँ, तो मॉडल में कुछ वो तो ना मॉनिटरिंग तो होनी चाहिए ना मॉनिटर। और वहाँ पर अगर मॉडल है, अगर उसको कहता है, जब उसके पास फर्स्ट एड फैसिलिटी नहीं है तो क्या। और अच्छा ये बताओ, अगर केजरीवाल को खुद को कुछ हो जाता है, उसको खांसी हो जाती है, तो वो तो बंगलोर चला जाता है दिखाने, तो ठीक है। और इनके अपने मेडिकल के खर्चे अगर देखो, इनके मिनिस्टरों के 20-22 लाख रुपए के आते हैं, पिछले 5 सालों में देख लो 20-22 लाख सबके खर्चे आए हुए हैं। तो इतना अच्छा मॉडल है तो अपना इलाज कराएं ना, अपने बच्चों का भी कराएं। और स्कूलों अगर मॉडल इतना कहता है, इतना अच्छा है, तो खुद अपने बच्चों को बाहर पढ़ने क्यों भेजते हैं, उनको पढ़ा के देखें अपने स्कूल, इन्हीं स्कूलों में अगर देखो तो उसका मैनिफेस्टो में ये था कि मैं 500 स्कूल बनवाऊँगा, और 500 में से उसने एक स्कूल आज तक नहीं बनवाया उसने स्कूलों में। हॉस्पिटल उसने बोले थे मैं हॉस्पिटल बनवाऊंगा, हॉस्पिटल कुछ नहीं है, एक हॉस्पिटल अब सिरसापुर में जाना बनना शुरू हुआ है। तो मोहल्ला क्लिनिक अगर आप 2 साल से जाओगे ना, मोहल्ला क्लिनिक जो है, मोहल्ला क्लिनिक में कई रिपेयर हो रहे हैं, वहाँ पर मटीरियल पड़ा हुआ है ऐसे 2 साल से, वहाँ चलने की जगह नहीं है अंदर, इतना बुरा हाल है मोहल्ला क्लिनिक का। तो मॉडल अगर अच्छा है जब दिखाए ना, और अगर कोई बाहर से मिनिस्टर आ जाए कुछ आ जाए, तो वो एक है ना किसी डिस्पेंसरी को मोहल्ला क्लिनिक को अच्छा बना के पेश कर देगा,
आप देखो कराड़ी मोड़ में जाके देखो, संगम विहार में देखो मोहल्ला क्लिनिक, हमारे द्वारका में देख लो, द्वारका इतना पोश एरिया है, द्वारका में देख लो मोहल्ला क्लिनिक की हालत, इतने दयनीय स्थिति में है वहाँ पर। क्या कहेंगे, अब तो ऐलान हो गया। हाँ, ऐलान हो गया, अब रन की शुरुआत हो गई है। जिस तरह से हिमाचल के रन की शुरुआत हो, आज से तो गुजरात की भी रन की शुरुआत हो गई है। और गुजरात की जनता भली भांति जानती है किस तरह से जुमलेबाजी और 27 साल तक जनता को, गुजरात की जनता को ठगा गया है वहाँ की सरकारों के द्वारा। जिस तरह सरकार की पिछले दो साल, जिस सरकार की कहते हैं ना कि हम गुजरात मॉडल, उस गुजरात मॉडल का जो हमें हकीकत है उसको बयान मैं दो लाइनों में बता देता हूँ। पिछले दो साल का हकीकत देख लीजिए गया, हालाँकि आपकी मीडिया और किसी कोई मीडिया दिखा रहा नहीं, दिखा रहा मुझे, लेकिन वहाँ की जनता को भली भांति पता है। बताइए, दो साल तक सिला कॉम्प्लेक्स में जो इंस्टीट्यूट में जो आग लगी थी और वहाँ 25 से ज़्यादा जो छात्र थे उनकी मौत हो गई थी, और उसका जो FIR दर्ज हुआ था उस इंस्टीट्यूट के मालिक के खिलाफ, आज तक क्या हुआ है उसका ब्यौरा क्यों नहीं दे रही है वहाँ की गुजरात सरकार। दूसरा ही, पिछले साल ही जो हुआ था, पिछले साल क्या होता, शराब, जहरीली शराब पीने से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, और जहरीली शराब का जो ठिकाना मिला था वो वहाँ के निजी जिला पंचायत के घर में मिला था, और उसके खिलाफ रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराए गए। और उसके साथ क्या हुआ, और सुनिए पूरी बात सुन लीजिए, मुझे भी बोलने का हक दीजिए। तीसरा सुन लीजिए, नहीं मुझे भी नहीं, अगर नहीं जवाब, अगर आप काउंटर, हाँ काउंटर, ये कैमरा मैन आइए, ये जो कह रहे हैं ना, ये हाँ, ये इनका मोहल्ला क्लिनिक है, लाइव मैं आज ही किया हूँ, उसकी ये पर्ची है, समझ रहे हैं ना, उसकी ये पर्ची है, वो पर्ची मैं दिखा रहा हूँ उस वीडियो में, देखिए ये इस पर्ची पे डॉक्टर दवा लिख रहा है, कल उस दवा से कोई मर जाए, सपोज करिए कि वो मर जाए तो केजरीवाल जी कह देंगे हम क्या जानते हैं तुम मोहल्ला क्लिनिक में किए कराए हो कि कहाँ कराए हो, सबूत होगा नहीं होगा ना। अब आप बताइए, ये लाइव एविडेंस, ये वीडियो है मेरे पास सबूत, मैं खुद जाके शूट किया हूँ मोहल्ला क्लिनिक में, डॉक्टर बैठा हुआ है, डॉक्टर के सामने जिस पे अरे भाई द्वारका, हाँ लाइव टेल, सुन लीजिए अरे अब मेरी बात नहीं होगी, अब मानेंगे ही नहीं, मानने की बात नहीं, अरे मारेंगे नहीं ना, आपकी बात, आपकी बात भी रख, अभी वही मैं कह रहा हूँ, सुनिए रखी नहीं जाएगी ऐसी, ऐसा आपका ऐसा एविडेंस है मुझे दीजिए, अगर उस पर कार्रवाई करनी होती है फिर मुझे बताइएगा, आम आदमी पार्टी एक्शन ले, अगर वहाँ पे उसी अरे सत्येंद्र जैन को तो हटा नहीं पाए, कार्रवाई क्या करेंगे, सत्येंद्र जैन पे क्या आरोप है ये बताइए मुझे, ये आरोप क्या आरोप है आपके कहने से, आरोप है आपके कहने से, केजरीवाल का मैं सबूत दिखा रहा हूँ, दिखाओ सबूत जो आपके पास सबूत है, बात आ रही है वहाँ मोरबी कांड की, बात करेंगे यहाँ दिल्ली की, एक तरफ मोदी जी का सबूत है, हो रही है बात करेंगे दिल्ली की, सुनिए मैं जो बात, मेरी मारने की बात नहीं, पहली चीज आप मार दोगे मुझे, आप जैसे लोग मुझे मार, चीजों को समझिए, चिल्लाने से नहीं होगा, आपको दस लोग देख रहे हैं, आप अपना दिल्ली मॉडल, सबूत मैं भी दे रहा हूँ, मोरबी कांड पे गुजरात सरकार ने क्या एक्शन लिया, मोरबी कांड पे घड़ी बनाने वाली अजंता कंपनी को उस पुल मरम्मत का काम दे दिया जाता है, कैसे दे दिया जाता है, और सुनिए कहते हैं लोगों की वजह से बोलते रहेंगे, बोल दिल्ली में मुंडगा में आग लगी तो क्या किया, एक्शन लिया उसमें, वहां पर कौन था काउंसलर आम आदमी का, ईदगाह में आग लगी क्या किया, काउंसलर ये था, एक मिनट की बात सुन लो भाई, सुन लीजिए एक मिनट, ये आम आदमी पार्टी, वहां मोदी जी नहीं थे ना मोरबी में, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने हत्या हुई, अरविंद केजरीवाल ने पेड़ से कुदवा के एक आदमी को मार दिया, इसी पार्लियामेंट नहीं, जंतर मंतर पे मंच चल रहा था, सारे आम आदमी पार्टी के लोग थे, बैठे हुए थे, एक राजस्थान से किसान आया था, उसको प्रोवोक करके चढ़ाया गया और ऊपर से हाँ और उस वहां से कुदवा दिया गया, इनके सामने कूद के मर गया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, इनके समझ रहे हैं, उनके सामने कूद के मर गया, यही चढ़ा के मरवाए थे, सुनिए मैं बताऊं, या कुदा के मरवाए थे, अगर मेरा भी जवाब लेते, ये कह रहे हैं तक्षशिला वाला है, तक्षशिला का क्या एविडेंस है, तक्षशिला का एविडेंस पूरा, सामने मरा वो किसान केजरीवाल के सामने मरा, तक्षशिला का एविडेंस सुन लिया, तक्षशिला का एविडेंस कह रहे क्या, मोदी जी नहीं थे, भारत ने पूरे देश ने देखा, कह रहे एविडेंस की मांग कर रहे हैं, तक्षशिला को पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने देखा, किसी ने देखा, ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल तो कह रहे हैं कि जीरो है, अच्छा इनके कहने से हमारे देश की जनता से पूछिए, फील्ड में उतरिए मेरे साथ, अगर देश की जनता, अगर दिल्ली की जनता, अगर दिल्ली की जनता कह देगी मोहल्ला क्लिनिक बेकार है तो मैं मान लूंगा मोहल्ला क्लिनिक बेकार है, भाई साहब कह रहे दिल्ली की जनता, ठीक है भैया, कितने भैया हैं यहाँ पर हाथ उठा लेना जरा एक बार, बीजेपी वाले कितने भैया हैं भाई, ले दिल्ली की जनता है, कौन है अब ये, सब सबको देखो टारगेट कर रहे हैं,
कौन है? ये दुर्गंध भक्त, कौन है? ये आंध्र भक्त है, ये लोग है, ये झंडे बालान वाले हैं, ये वो क्या नाम है जो आईटीओ पे ऑफिस है ना, वहाँ से आए हुए लोग हैं। यमुना तो साफ कर नहीं पाए। अच्छा, मैं एविडेंस की बात वही संजय शर्मा जी, वही वही जलबोध के जो डायरेक्टर साहब, सुनिए बात मेरी, वही गया था वो, नहाने गया था, ये कहेगा वो नहाने गया था और साइड में टैंक पड़ा हुआ। कुल मिलाकर के एक बात जाना, एक जैसे गुजरात, आप गुजरात गए, ठीक है, गुजरात में जो विकास है, गुजरात में जो विकास है, गुजरात के जो लोगों के साथ कह रहे हैं, वो किस तरीके से कांग्रेस को हट करके आपके पास आ रहा है? कांग्रेस से हट के मानिए, कांग्रेस नहीं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों से पस्त है। उसके बाद वो आम आदमी पे अपना जो भी है, उनका जो उम्मीद है आम आदमी पे, उन्होंने अपना उम्मीद जताया। टारगेट हिमाचल क्यों कम कर दिया? टारगेट हिमाचल कम नहीं, हमारे लिए हिमाचल भी उतना ही है, ठाकुर साहब के लिए हिमाचल भी हमारे लिए उतना ही है, इसलिए शोर है, उतना ही है। जो चोर जो शोर करता है ना, सबसे बड़ा चोर होता है। लालू के बाद घोटाले के बाद केजरीवाल है। जमुना जी के अंदर में अगर मिलता ना तो जमुना जी में गाड़ देता उसके सांसद को। बोलने के लोग ओबीसी मत बनाकर, सुनने की क्षमता रख, बोलने की क्षमता रखता है। आप मोदी भी मत बनो, अगर ओबीसी की बात, ओबीसी से कैसे कर दिया? सुनने की क्षमता रख, सुनने की क्षमता मैं भी रखता हूं। देखिए देखिए, आप अभी 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 एक मिनट बोलने नहीं, आप अगर बात रोके तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं नहीं, संजय शर्मा भी नहीं, एक मिनट, संजय शर्मा सरकार जलवत का अधिकारी, दिल्ली 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 से हूं। क्या लग रहा है 2024 तो छोड़ दीजिए, अभी गुजरात चुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं? एक मिनट, कुछ कह नहीं सकते अभी, बाकी मोदी जी की तो है लहर, जिन्होंने इतने साल 12 साल गुजरात में जिन्होंने राज किया हो, कुछ छोटी बात थोड़ी ना, 12 साल गुजरात में क्या क्या दिया उन्होंने? कोई गुजरात के लोग कोई ऐसे बंदे नहीं है के फ्री के चक्कर में लूट जाएं, उन्हें पता है कि योगी जी ने शिक्षा फ्री होनी चाहिए। 12 साल मैं आपके पास आऊंगा, एक मिनट, मैं आप The Front News. Please subscribe and press the bell icon.